ये तो यहाँ के रहने वाले हैं, वे बहुत ही दूर के रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया कार्रवाई कर रही है और बहुत बढ़िया सुरक्षा है। बनाने के लोग रहे तो प्यासी है, बाकी लोग बाहर के रहे तो प्यासी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और एक और बड़ी राजनीतिक रिपोर्ट के साथ मैं हाजिर हूँ अनुरोध भारद्वाज। खबरची टीम पहुंची आज बदायूं लोकसभा क्षेत्र में, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ब्रज क्षेत्र भाजपा अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साक बड़े रोड शो के साथ बदायूं में चुनावी आगाज करने जा रहे हैं। हमारे साथ बदायूं के लोकल क्षेत्रीय जनता और यहाँ के प्रतिनिधि मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे दुर्विजय सिंह साक की उम्मीदवारी और समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह यादव के मैदान में आने के बाद यहाँ पर किस तरह का चुनावी मुकाबला होने जा रहा है और किस तरह यहाँ के राजनीतिक हालात बनने को हैं। नमस्कार, आपका खबरची न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? सूरजपाल। सूरजपाल जी कहाँ के रहने वाले? करतौली। करतौली। दुर्विजय सिंह साक को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है, अभी बसपा से का भी कोई प्रत्याशी होगा, क्या लग रहा है इलेक्शन जीतेंगे? चुनाव बढ़िया रहेगा यहाँ पर। किन मुद्दों पे चुनाव होने जा रहा है? वो तो यहाँ पर मुद्दे क्या है, वो ये सब विकास विकास बहुत बढ़िया है यहाँ के, विकास के मुद्दे पर आप वोट करने जा रहे हैं? बिल्कुल। एक बदायूं लोकसभा क्षेत्र का एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर भारी प्रत्याशी, जैसे लंबे समय तक कभी यहाँ पर शरद यादव चुनाव लड़ते थे जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, इटावा से सैफई से धर्मेंद्र यादव यहाँ से कई बार सांसद, दो बार सांसद रहे, उसके बाद इस बार धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल सिंह यादव को मैदान में उतारा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से जो सांसद थी अभी है मौजूदा, पिछली बार जो 2019 में चुनाव जीती थी संगमित्रा मौर्य, वो भी बाहर की रहने वाली थी। दुर्विजय सिंह साह के बदायूं का लोकल चेहरा है, क्या कहना चाहेंगे अपने जब आपका लोकल चेहरा आपके साथ है तो क्या कहना चाहेंगे? जीतेंगे, बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह साह। आपने बहुत लंबे समय से आपने तमाम चुनाव देखे होंगे, इस बार बदायूं की जनता के मन में क्या बात है? बदायूं के लोग रहे प्रत्याशी हैं, बाकी लोग बाहर के रहे प्रत्याशी, लेकिन इस बार जनता अपने ही प्रत्याशी, लोकल प्रत्याशी यहीं के रहने वाले उनको चुनना चाहती है, और विकास और ये सुरक्षा की वजह से सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी जीत होगी। अभी पिछले दिनों बदायूं में एक घटना हुई थी, कुछ बच्चों की हत्या कर दी गई थी, उस अपराधी को पुलिस ने मार दिया था, क्या उस घटना को लेके क्या लोगों के दिमाग में किस तरह की बात है? उनके मन में बहुत अच्छी चीज है कि अब की जो है सपा के प्रत्याशी हराएंगे मतलब, और बीजेपी को जिताएंगे। हम देखिए इस समय और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे बदायूं में एक अलग तरह का बड़ा मुकाबला, शिवपाल सिंह यादव एक समाजवादी पार्टी बहुत कद्दावर नेता हैं, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने दुर्विजय सिंह साक जो ब्रज क्षेत्र भाजपा संगठन की कमान संभाल रहे हैं उनको मैदान में उतारा है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नन्नेलाल। नन्नेलाल जी बताएं बदायूं में इस बार किस मुद्दे पर वोट आप लोग अपने सांसद को चुनने जा रहे हैं? हम जे बदायूं में पहले भी अत्याचार ज्यादा कोई होते रहते करते रहते थे, एक चुकी है इस बात की फैला, और अब की तो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है जो बिचारी की कतई घर में घुस के बच्चे मारे हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके बाद पुलिस ने उस अपराधी को भी मार दिया। तो क्या योगी सरकार है, किस तरह की पुलिस कार्रवाई कर रही है, कैसे घटनाएं हो रही है, कैसा रिएक्शन आ रहा है? बहुत बढ़िया कार्रवाई कर रही है और बहुत बढ़िया सुरक्षा है, सुरक्षा भी बढ़िया है, और हाल ही पकड़ लिए, अब वो भी पकड़े आया बरेली से, बरेली गिरफ्तार हो गया। शिवपाल सिंह यादव इटावा के रहने वाले हैं, हालांकि बदायूं जिले में मुलायम सिंह यादव जी की बड़ी राजनीतिक प्रभाव था, समाजवादियों का गढ़ माना जाता है ये। इस बार दुर्विजय सिंह साक जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं उनके आने से कैसा मुकाबला होगा? ये तो यहाँ के रहने वाले हैं, वे बहुत ही दूर के रहने वाले हैं, और हर साल मतलब ये लगते हैं आप तो और ज्यादा हार के जाएंगे, बहुत बढ़िया मतलब स्वभाव है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम युवाओं से जानेंगे आपका वोट बन गया है? जी सर वोट बन गया। क्या नाम है आपका? हृदय यादव। हृदय यादव जी बताना चाहेंगे इस बार क्या बदायूं में क्या उम्मीद है आपकी, किन मुद्दों पर वोटिंग करना चाहेंगे आप? देखो मुद्दों का मतलब तो ये है कि शिवपाल सिंह है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सगे अंकल जी हैं, और वो एक बहुत बड़े राज्य नेता हैं, और वैसे भी ये बदायूं समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता है, और ये सियासी
दल यहाँ ऐसा है कि बीजेपी है जो अभी सत्ता से लेकर केंद्र में भी है, तो माहौल ऐसा है कि बीजेपी के जो और से बड़े नेता हैं उनके सपोर्टर के अनुसार जो दिग्विजय साथ हैं वो कुछ हालातों में अच्छा लड़ेंगे। तो आपका कहना यह है कि यहाँ पर मुकाबला बहुत कड़ा होगा? हाँ, मुकाबला कड़ा होगा। आप युवा हैं, इस बात को क्या सोचते हैं कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह साहब के लोकल यहाँ के रहने वाले हैं और शिवपाल सिंह यादव को जैसे जिले के स्तर से एक आवाज ये उठ रही है कि बताओ एक तरफ लोकल एक तरफ बाहरी, लोकल होता है तो बाहरी को क्यों देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि इससे पहले जो भाजपा की मौजूद सांसद थी पूर्व सांसद संगमित्रा मौर्य जी, वो एक बहुत बड़ी नेता है, उनके जो मतलब पिताजी हैं वो बहुत अच्छे नेता हैं, तो हमारे हिसाब से उन्हीं को टिकट देना चाहिए था, लेकिन ये नेता लोगों की अपनी अलग बात है। लेकिन 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 आपने जब स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की तो वो हिंदू समाज के लिए बहुत खराब बातें करते हैं, सनातन समाज के लिए बहुत खराब बातें करते हैं, रामचरितमानस को लेकर गरीब खराब बातें करते हैं, ऐसे स्थिति में कैसे उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे? देखो वो एक उनका आपसी मैटर था, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो चुनाव है बदायूं का मैं यही कहना चाहूंगा, ये चुनाव बहुत अच्छा लड़ेगा लड़ा जाएगा। यहाँ से शिवपाल सिंह हैं और ये यादवों का गढ़ कहलाता है, दो तीन विधानसभा ऐसी हैं जो मतलब अच्छी पकड़ है समाजवादी पार्टी की बहुत पहले से, जो यहाँ के मतलब नेताजी थे। बड़ा मुकाबला होने वाला है, मुकाबला होने वाला है और सत्ता के अनुसार दिग्विजय साहब भी मतलब हमारे हिसाब से अच्छा लड़ेंगे। बहुत बढ़िया। हमारे साथ कुछ और भी युवा मौजूद है, क्या नाम है आपका? अनिल बाबू मौर्य। मौर्य जी बताएं, आज दिग्विजय सिंह साहब के अपना रोड शो करने जा रहे हैं बदायूं में, पूरे प्रदेश की नजर इस समय बदायूं पर टिकी हुई है, शिवपाल सिंह यादव के यहाँ आने से बहुत मुकाबला बहुत रोचक हो गया है। अब दिग्विजय सिंह साहब को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा जो लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, युवा होने के नाते आपको क्या लगता है? क्या लगता है, हम लोग तो ये सोचते हैं जो घर का आदमी है वो घर का ही रहेगा, मतलब जो बाहर का है वो बाहर का ही रहेगा, जब भी कोई काम पड़ेगा तो घर का काम आएगा पहले, मतलब बाहर का थोड़ी आ जाएगा, इसलिए मतलब घर वालों को ही लड़ाना चाहिए और घर वालों को ही वोट देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, युवाओं को रोजगार, हर हाथ को काम, एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं बदायूं को विकास को लेकर, क्या बातें मुख्य रूप से कहना चाहेंगे विकास के बारे में? क्या बीजेपी अच्छा विकास कर रही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बार अगर दिग्विजय सिंह आए तो मतलब जीत के जाएंगे यहाँ से। क्या नाम है आपका? मनोज मौर्य। हमारे साथ यहाँ पास में दिग्विजय सिंह साहब के मौर्य समाज से ही आते हैं और मौर्य समाज पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी मौर्य साहब के चेहरे पर ही अपना दांव आजमाया था। हमारे साथ एक मौर्य समाज के एक और युवा मौजूद है, इस समय इस बार बदायूं में किस तरह का चुनावी मुकाबला होने जा रहा है? इस समय मुकाबला बढ़िया होगा और हमें उम्मीद है, यहाँ पर जितना हमारा मौर्य समाज है सबसे ज्यादा गढ़ है यहाँ मौर्य समाज का, इसीलिए हमारी बीजेपी सरकार जो है मौर्यों को वोट उतारती है इलेक्शन में। एक बात कही जा रही है कि संगमित्रा मौर्य का टिकट काटा गया, किसी तरह की कहीं कोई नाराजगी? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं थी, ऐसा था उनके ऊपर कुछ केस पड़ गया था, इन्हें धर्मेंद्र ने डाल दिया था झूठा आरोप, इस चक्कर से उन्हें कुछ विकास नहीं मिला, वैसे ऐसी कोई बात नहीं, पूरी पूरी बिरादरी और पूरा समाज उनके साथ है, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो आपने देखा बदायूं की क्षेत्रीय जनता के अलग अलग मत हैं, अलग अलग दावे हैं, अलग अलग बातें हैं, सबका अपना अलग अलग रुख है, लेकिन इन सब बातों के बीच भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह साहब बड़े शो के साथ आज बदायूं के रण में उतर गए हैं। आगे नई खबर के साथ फिर हाजिर रहेंगे, देखते रहिए खबरची न्यूज़।